आज हम बात करेंगे कच्चे के एक ऐसे डाकू की जिसने पक्के में रहने वाले लोगों को हैरान कर दिया। ये डाकू कोई और नहीं, ये डाकू है शाहिद लुन। जब डाकू का लफ्ज आता है तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये आ जाता है कि ये अगवा कैसे करता है, ये लोगों से तावान का जो रकम है ये वो कैसे वसूल करता है, ये डिक्लेयर कैसे मारता है। मगर यहाँ पे इस किस्म की कोई चीज नहीं है, क्योंकि शाहिद लुन ने ये सारा काम छोड़कर अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है। अब जहां पे एक डाकू के हाथ में कलाशनकोफ होना चाहिए था, वहीं पे एक डाकू के हाथ में कैमरा है और वो लोगों को शोर दे रहा है। और इसके साथ साथ वो थ्रेट है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो अब अपने इलाके के जो बड़े जागीरदार हैं, जिस तरह वो डाकू का इस्तेमाल करते हैं, उन सबको वो एक्सपोज कर रहा है। इसके साथ साथ जो पुलिस है उसको भी एक्सपोज कर रहा है, जिस तरह से वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं। क्योंकि कच्चे के टापू गए बगैर ये बताते रहते हैं कि उन्हें असला कौन प्रोवाइड कर रहा है, इतना ज्यादा वेपन उनके पास कहाँ से आते हैं। अब इसलिए वो थ्रेट बन गया है दूसरे बहुत सारे लोगों के। वो लोग जो ये समझते होंगे कि ये हमारा है, अब ये उनके लिए गले का तलवार बन गया है, गले का ये फंदा बन गया है। तो आप सवाल ये है कि क्या शाहिद लोग इस शऊर के सफर को काटने में रख पाएगा। पर शायद आराम से डकैतियां मारता तो शायद वो ज्यादा अरसा जिंदा रह लेता। तो यहाँ पे क्योंकि अब उसने लोगों को शऊर देना शुरू कर दिया है, अब हक सच बात कहना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान में आप लोगों को पता है कि यहाँ पे सही बात करने वालों का क्या होता है। आप लोगों को पता है कि जो ना जो जो लोग सही बात करते हैं या सोशल मीडिया पे आते हैं, जो लोग को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, स्पेशली वो लोग जिनके टारगेट जो ना बड़े जागीरदार वगैरह होते हैं। तो आप देखना ये है कि क्या शहद बोर्ड की ये गलती, यूट्यूब पर आना है लोगों को शौक देना है, क्या ये यूट्यूब चैनल शहद बोर्ड की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, या वो इस यूट्यूब चैनल के जरिए अपने जो इलाका है, जो कच्चे का इलाका है, वहां के लोगों को मोटिवेट कर पाएगा, लोगों को जो ना थोड़ा सा शऊर दे पाएगा, ताकि लोग वहां पर इस दलदल से निकले और लोगों को पता चले कि किस तरह से वडेरे और जो वहां पर मौजूद बासर अफराद हैं, वो किस तरह उनका इस्तेमाल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह उनसे काम लेते हैं, किस तरह उनको यूज करते हैं। तो शायद लोग इंकलाब लाने में कामयाब होते हैं या नहीं, या फिर उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए कोई खतरा मोल लिया है, इसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट में। तो ये थी आज की मुकम्मल कहानी। तो मिलते हैं अपने नए बिलाग में, इस वक्त मुझे इजाजत दीजिएगा, देखते हैं कि तब तक शायद उनका क्या होता है। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।